Hello everyone, welcome to VAWAIS. Now we'll see our daily current affairs module for 25th of June. तो ये हमारी आज की कंटेंट लिस्ट होगी. सबसे पहले हम देखेंगे अथिरापल्ली वाटरफॉल्स. तो ये केरला में है और इस पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की परमिशन दी गई है. तो इससे कुछ रिलेटेड इशू हैं, जैसे हर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ इशूज़ होते हैं. ओके, तो डेट वी विल सी. नाउ दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. तो ये जो अभी फिस्कल स्टिमुलस दे रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसी के अंतर्गत आता है. ओके, सो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. तो एनिमल हस्बेंड्री एंड अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये फंड एक बनाया गया है. नाउ तीसरा जो टॉपिक है, दैट इज़ कमीशन फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBCs. तो ये जस्टिस जी रोहानी के अंदर में बना था. ओके, तो इसको एक्सटेंशन मिला है, इनकी कमीशन के टर्म को एक्सटेंशन मिला है 6 महीने का. डेट वील सी. नाउ और फोर्थ टॉपिक विल बी कंट्री ऑफ ऑरिजिन ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल. ओके, सो कंट्री ऑफ ऑरिजिन, जितना ज़्यादा इंडिजिनस आपका माल है उतना ज़्यादा अब ये बिकेगा, बेसिकली यही आइडिया है. तो कंट्री ऑफ ऑरिजिन लागू कर दिया गया है. आपको अपने कंट्री ऑफ ऑरिजिन, आपका जो प्रोडक्ट है वो किस किस कंपोनेंट से बना हुआ है, वो कंपोनेंट कहाँ कहाँ से इम्पोर्ट किए गए हैं या लोकली सोर्स किए गए हैं, तो ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. अगला टॉपिक है हमारा इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर. तो ये बनाया गया है जिससे जो प्राइवेट सेक्टर है उसका हम जो यूटिलाइजेशन है वो एनहेंस कर सकें, उसका पार्टिसिपेशन एनहेंस कर सकें. ओके, तो ये हमारा आज का इंडेक्स है, ये कंटेंट है. इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे एज़ ऑलवेज मिलेगी. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर टेलीग्राम चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, सो दैट यू विल गेट दी फर्दर अपडेट. नाउ लेट्स बिगिन. सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज का अथिरापल्ली वाटरफॉल्स. ओके, सो केरला गवर्नमेंट ने एक गो हेड दे दिया है 163 मेगावाट के प्रोजेक्ट को ऑन दिस वाटरफॉल, अथिरापल्ली वाटरफॉल्स. अभी अथिरापल्ली वाटरफॉल्स कौन सी रिवर पे आते हैं, तो चालाकुड़ी रिवर. ओके, दिस वन इज़ द रिवर और ये थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में है. नाउ इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स. ओके, अपर रीचेज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एट द एंट्रेंस टू द शोलायर रेंजेस. तो ये आपको याद रखना है, शोलायर रेंजेस, एंड इट इज़ कॉल्ड द नियाग्रा ऑफ इंडिया. नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया इन अथिरापल्ली वाटरफॉल्स को बोलते हैं. नाउ अब हर वाटरफॉल्स, हर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के साथ कुछ इश्यूज़ होते हैं. तो सबसे पहले जो कड़ा ट्राइब है, ओके, द कड़ा ट्राइब डेट फेसेस डिस्प्लेसमेंट. कुछ डाउन स्ट्रीम में इश्यूज़ हैं, लोग बोल रहे हैं कि इससे इरिगेशन एंड टूरिज्म इफेक्ट हो सकता है. तीसरा, वी ऑल नो कि दिस रीजन लाइज इन द बायोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया. ओके, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन वन में ये पड़ता है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन वन. तो सबसे हाई जो प्रोटेक्शन है वो इस एरिया को ग्रांट की गई है, जोन वन में ये पड़ता है, इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी में. ओके, वेस्टर्न घाट्स वी ऑल नो, हॉटेस्ट ऑफ द हॉटस्पॉट्स वेस्टर्न घाट्स को बोलते हैं, उसके भी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन वन में ये पड़ता है. तो इससे वाइल्ड लाइफ को, जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, उसको काफ़ी खतरा होने की संभावना है. तो दीज आर द इश्यूज़, ये इश्यूज़ PDF में दिए हुए हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, ये था अथिरापल्ली वाटरफॉल्स. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक. अगला हमारा टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, AHIDF. तो जैसा कि नाम ही बताता है कि एनिमल हस्बेंड्री में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट के लिए ये फंड बनाया गया है. ओके, दिस विल बी वर्थ 15,000 करोड़ रुपीज़, और जो 20 लाख करोड़ का जो फिस्कल स्टिमुलस गवर्नमेंट दे रही है, उसी के पार्ट में है आत्मनिर्भर भारत अभियान. जो भी अभी COVID-19 से लड़ने के लिए जो भी फिस्कल स्टिमुलस दे रही है गवर्नमेंट, ये उसी का पार्ट है. ओके, तो अब इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन से होंगे. इट वुड प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स इन डेयरी, मीट प्रोसेसिंग, एनिमल फीड प्लांट्स. ओके, ना फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस FPOs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSMEs, सेक्शन 8 कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज एंड इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स वुड बी एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम दिस फंड. ओके, अब कुछ डिटेल्स की बात करें तो 10% जो है वो इंडिविजुअल को अपनी जेब से लगाना पड़ेगा. 10% जो मार्जिन है वो इंडिविजुअल को खुद खर्च करनी पड़ेगी. बाकी की 90% जो कंपोनेंट है, फंडिंग कंपोनेंट, दैट विल कम एज अ लोन, आपको लोन की तरह दिया जाएगा. अब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम है इस पूरे टाइम में, कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करेगी.
ओके, मतलब इतना इंटरेस्ट आपको कम देना है, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन। दूसरी चीज़ ये है कि 2 साल तक 2 ईयर मोरेटोनियम ऑन रीपेमेंट, मतलब आपको 2 साल तक कोई पैसा नहीं चुकाना है। जब आपका बिज़नेस अपटेक कर लेगा, स्केल उसकी बढ़ा देंगे अप स्केल, तो तब से रीपेमेंट चालू होगा। एंड दिस रीपेमेंट विल एक्सटेंड ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। तो 6 ईयर्स का रीपेमेंट टाइम है आपके पास, 6 साल तक आप ऐसे वापस कर सकते हैं। ओके, और ये बेसिकली जो इस फंड का जो बेसिक एम है वो ये है कि जो नए बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट करे। ओके, सो यही था AHIDF। नाउ वी शैल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा कमीशन फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBCs। सो जो कमीशन थी अंडर जस्टिस जी रोहानी, श्रीमती जी रोहिणी, तो इनके अंडर में एक कमीशन बनी थी और उसको एक्सटेंशन दिया गया है अप टू 31st of January 2021। तो 6 महीने से इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब कमीशन कंस्टिट्यूट की गई थी अंडर आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, 2017 में कमीशन बनाई गई थी और अब तक इसने सारी जो स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, उनसे इंटरेक्ट किया है कि आपकी क्या क्या राय है सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBCs पे। स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन से भी इसने इंटरेक्ट किया है। ओके, तो कुछ बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सोनी केस में ये बोला था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बार नहीं है स्टेट्स के ऊपर टू कैटेगराइज OBCs एज बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड, मतलब आप OBCs का सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सोनी केस में बोला है। ओके, एंड दैट इट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इट इज़ नॉट इम्परमिसिबल इन लॉ इफ़ अ स्टेट चूजेस टू डू सब कैटेगराइजेशन। वही बात कि आप उनको बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड यानी ज़्यादा बैकवर्ड की क्लास में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो आपको ये बोले कि नहीं, सारे OBCs एक ही कैटेगरी में होंगे, आप उनका सब कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते। अब तक 9 राज्य OBCs का सब कैटेगराइजेशन कर चुके हैं और ये 9 राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटका, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पुदुचेरी, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ओके, इनने सब कैटेगराइजेशन कर रखा है OBCs का अपने रिजर्वेशन सिस्टम में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में ऐसा कोई भी सब कैटेगराइजेशन नहीं है। अब ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहले ये देखा गया कि जो पूरा रिजर्वेशन है दैट इज़ कॉर्नर्ड बाय ओनली फ्यू। ओके, आधे से ज़्यादा लोगों को कोई लाभ ही नहीं हो रहा है, कॉर्नर्ड बाय वेरी फ्यू इन द कम्युनिटी। ओके, नाउ 2633 कास्ट हैं OBCs कैटेगरी में। ओके, सेंट्रल लिस्ट में, उसमें से 1900 ऑट कास्ट हैव अवेल्ड लेस देन 3% ऑफ रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन। देख रहे हैं आप, मतलब स्टार्क कॉन्ट्रास्ट कि 1900 से ज़्यादा कास्ट में केवल 3% रिजर्वेशन मिला हुआ है, जबकि टोटल जो रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है OBCs को दैट इज़ अराउंड 27%। ओके, तो अब ये चाहते हैं कि इन जो कास्ट हैं जो लेफ्ट आउट हो चुकी हैं उनका सब कैटेगराइजेशन करें, जिसलिए इनको उनका हक मिल सके, क्योंकि प्रॉपर रिजर्वेशन मिल चुके, ज़्यादा जॉब्स एवेन्यूज खुले इन लोगों के लिए। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, द 5 ईयर डेटा ऑन OBC कोटा इम्प्लीमेंटेशन इन सेंट्रल जॉब्स एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शोड दैट अ वेरी स्मॉल सेक्शन हैड कॉर्नर्ड द लॉइंस शेयर, मतलब काफ़ी एक छोटा प्रपोर्शन है जिसने ऑलमोस्ट हर चीज़ पर कब्जा कर रखा है। ओके, नाउ कमीशन ने यह भी ऑब्जर्व किया है कि बैकवर्डनेस से रिजर्वेशन का कोई अभी तक आप जो आपका एम था कि जितना ज़्यादा बैकवर्डनेस उतनी ज़्यादा हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे, ऐसा एम फुलफ़िल नहीं हुआ है। जिससे जिसको जितने ज़्यादा पावर्स हैं जिसके पास, उसी ने ही लॉइन शेयर को कब्जा कर रखा है उन चीज़ों पे। ओके, अगला टॉपिक है हमारा कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल। तो जितने भी सेलर्स हैं, बिडर्स हैं, उनको कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट्स का। ओके, कंट्री ऑफ ओरिजिन, और इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या इंश्योर करना चाहती है? तो हाईली इंडिजनाइज्ड प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट प्रोक्योर करना चाहती है। तो जितना ज़्यादा इंडिजनाइजेशन रहेगा उस प्रोडक्ट का, उतना ज़्यादा उसका प्रोक्योरमेंट होगा, ऐसा गवर्नमेंट का एम है बेसिकली। सो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है? जहाँ पे सेलर्स और बायर्स एक जगह आते हैं, गवर्नमेंट या जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो इसी पोर्टल से अपना जितना भी सामान है, उनको जो भी ख़रीदना है ऑफिस पर्पज़ के लिए, वो इसी पोर्टल से ख़रीदते हैं, GEM पोर्टल से। एंड दिस इज़ मैंडेटरी। ओके, इसी से ख़रीदना पड़ता है आपको, आप बाहर से नहीं ख़रीद सकते अनटिल एंड अनलेस अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है पोर्टल पे। ओके, नाउ GEM इज़ अ वन स्टॉप
National Public Procurement Portal to facilitate online procurement of common use goods and services. Okay, required by various government departments, organizations and PSUs भी इसमें included हैं. तो ये आपको याद रखना कि PSUs भी included हैं, सिर्फ government departments included नहीं हैं. Now it was launched in 2016 to bring transparency and efficiency. अभी तक क्या होता था, मनचाहे आदमी को आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उसको फ़ायदा करवा दिया, तो अब इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और एफिशिएंसी आएगी. इट इज़ अ कम्प्लीटली पेपरलेस एंड कैशलेस सिस्टम ड्रिवन बाय ई मार्केट प्लेस. ओके, नाउ इसको मैंडेटरी किया है वाया रूल नंबर 149 इन द जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017, और इसको डेवलप किया है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल्स विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. तो ये आपको याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आता है, और टेक्निकल सपोर्ट जो इसको प्रोवाइड करता है दैट इज़ नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन अंडर द मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ओके, नाउ अब जो नया रूल क्या है, वो नया रूल यही है कि आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा द ओरिजिन्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स. अभी तक आपको अगर जैसे मान लीजिए आपका एक प्रोडक्ट है वो अलग अलग कंपोनेंट से बना है, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट कितना परसेंटेज इंडिजिनाइज्ड है, मतलब उसमें कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स इंडिजिनस लगे हुए हैं, लोकली सोर्स लगे हुए हैं. अगर ज़्यादा जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो इंपोर्टेड होंगे तो दैट विल बी डिसएडवांटेजेस फॉर यू. तो इससे हमारा जो इंडिजिनस प्रोडक्शन है उसको सपोर्ट करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मकसद है. मेक इन इंडिया और सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सबको सपोर्ट करने का एक गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है. ओके, नाउ 200 करोड़ के नीचे जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उनको दो क्लास में बांटा गया, क्लास वन एंड क्लास टू. क्लास वन में रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो 50% जो आपके प्रोडक्ट हैं वो लोकल कंटेंट होना चाहिए, मतलब आपका अगर प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट है तो उसमें 50% जो कंटेंट है वो लोकल होना चाहिए. इन क्लास टू में 200 करोड़ के नीचे अगर कोई भी प्रोक्योरमेंट होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि 20% जो कंटेंट होता है वो लोकल होना चाहिए, ये मैंडेटरी है. ओके, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही बता दिया. नाउ ऐसा हो क्यों रहा है, तो हम सब जानते हैं सेल्फ़ रिलायंस के लिए पुश है ये. ओके, ऑल्सो हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंस चाइना पे काफ़ी ज़्यादा है, इम्पोर्ट डिपेंडेंस ऑन चाइना, और ट्रेड डेफिसिट भी है. ओके, सो 70.32 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है हमारा ये 2019 में, और उसके पहले था 62.38 बिलियन. तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है. दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी हमारे क्लैशेस चल रहे हैं बॉर्डर पे, तो ये हमारे लिए पोषा है कि हम अपना इम्पोर्ट डिपेंडेंस चाइना पे कम कर सकें, क्योंकि हम काफ़ी डिपेंडेंट हैं, और बॉर्डर पे जब क्लैश होता है तो एक नेशनलिस्टिक फर्वर पूरे कंट्री में होता है, और सब बायकॉट चाइना मूवमेंट चल ही रहा है. तो इसीलिए गवर्नमेंट की साइड से भी एक पोषा है कि आप इंडिजनाइजेशन को प्रमोट करें. नाउ यहाँ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक. अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इसको हम बोलते हैं इन स्पेस. ओके, मैंने नहीं बनाया है, ये गवर्नमेंट का ही शॉर्ट फॉर्म है. वाई इज़ दिस बीइंग क्रिएटेड, सो टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर प्राइवेट कंपनीज टू यूज़ इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर. अभी तक जो प्राइवेट कंपनीज़ का जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम है, गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट कंपनीज़ के पार्टिसिपेशन को इन्हेंस किया जाए, उसकी वजह से इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर बनाया गया. नाउ ये रीओरियंट करेगा, आपका अभी तक सप्लाई ड्रिवन अप्रोच रहा है कि जो चीज़ बन रही है उसको हमने तैयार कर दिया. अब ये अगर प्राइवेट स्पेस प्राइवेट सेक्टर आते हैं स्पेस सेक्टर में, तो एक डिमांड ड्रिवन अप्रोच हो जाएगा, जैसी कंज्यूमर्स की ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम टेक्नोलॉजी बना सकते हैं. ओके, नाउ ज़रूरत क्या है इन स्पेस की, तो सबसे पहले तो हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी एडवांस लेवल पे आ चुकी हैं. इंडिया काफ़ी स्पेस रीजन में सक्सेसफुल हो चुका है, काफ़ी हद तक काफ़ी डेवलप भी हो चुका है. द प्रपोज रिफॉर्म्स विल एनहेंस द सोशियो इकोनॉमिक यूज़ ऑफ स्पेस एसेट्स एंड एक्टिविटीज़, मतलब जैसी जनता की जो ज़रूरत है उस हिसाब से अब टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ता है, क्योंकि कंज्यूमर्स अल्टीमेटली लोग ही होते हैं. तो प्राइवेट सेक्टर ये कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को कैटर करे जिससे उनका प्रॉफिट हो. सो इसीलिए सोशो इकोनॉमिक जो यूज़ है वो बढ़ जाएगा स्पेस एसेट्स का हमारे, एंड इम्प्रूवड एक्सेस टू स्पेस एसेट्स डेटा एंड फैसिलिटीज़, तो इस काफ़ी इम्प्रूवड एक्सेस बढ़ जाएगा इनके लिए. नाउ यहीं हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स मॉड्यूल ख़त्म होता है, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगा, तो प्लीज़ डाउनलोड दिस फ्रॉम देयर. वी विल मीट टुमारो, थैंक यू.